आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से मैंगो पेड़े, जो कि बहुत ही अलग है नॉर्मल पेड़े से। इसका टेस्ट काफ़ी टैंगीनेस है, देखने में भी तो कितने खूबसूरत हैं। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए हम बनाते हैं। ये मैंगो केसर पेड़ा जो हम बनाएंगे उसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट लगेंगे और ये तैयार भी बहुत जल्दी होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या लगेगा। इसमें मैंने ये घर का बनाया हुआ खोया लिया है। ये 1 किलो दूध से मेरा इतना खोया बना है, करीब 200 ग्राम के करीब है। और ये मैंने मैंगो पल्प लिया है, जिसको कि मैंने चीनी के संग इसको इस तरीके से ये पल्प बना लिया है, पानी वानी कुछ नहीं डाला है। और साथ में ये मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं ये ऊपर से लगाने के लिए। ये केसर है, इसमें से मैं 3-4 थ्रेड लूँगी जो कि कलर और खुशबू देगा हमारे पेड़ों को। और ये ली है चीनी, चीनी आप अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 200 ग्राम खोए के लिए करीब 100 ग्राम के करीब चीनी ली है, उसकी आधी। तो एक गैस, ये देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और सिर्फ एक छोटा चम्मच मैंने देसी घी डाला है, वो भी इसलिए डाला है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। खोया जैसे जैसे गर्म होगा अपने आप घी छोड़ेगा, लेकिन वो चिपक ना जाए ना, फ्रिज से निकाला हुआ खोया है, वैसे मैंने बाहर रख दिया था थोड़ी देर, 1 घंटे से बाहर रखा है, फिर भी वो चिपके ना तुरंत डालते ही तो थोड़ी सी जलान आ जाएगी, वो मैं नहीं चाहती, इसलिए ये एक छोटा चम्मच देसी घी मैंने डाला है। अब ये खोए को डाल दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अगर आपका आपको लग रहा हो ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच फ्रेश दूध भी मिला सकते हैं। मैं केसर डाल के वो दूध इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए दूध में मैंने ये केसर डाल दिया है और अब ये केसर सहित ये दूध जो है मैं उसमें डाल दूंगी और ये धीरे धीरे अपना कलर जो है पूरे ही मिक्सचर में दे देगा। ये देखिए मैंने वो दूध डाल दिया है, वो धीमी आंच में दूध तो सूख ही जाएगा और वो सिर्फ इसलिए डालना होता है कि नीचे लगने ना पाए। अब ये जो चीनी है ये मैं इसमें डाल देती हूँ और चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा सा पतला होगा, पर कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा भुनेगा ना उसके संग, जब चीनी एक साल हो जाएगी वो किनारे छोड़ने लगेगा। ये देखिए अब मैंने मैंगो पल्प ऐड किया है, कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। बस अब इसको धीमी आँच पर ऐसे भूनते रहेंगे और धीरे धीरे ये किनारे छोड़ना शुरू होगा और हमारा मैंगो पेड़े का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको धीमी आंच पे ही लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट तैयार है, बिल्कुल अच्छे से ये अलग हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल छोड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो इसके हम लोग पेड़े नहीं बांध सकते। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसी में रखे रह देंगे और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो एक प्लेट में पलट के और फिर छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ा सा घी आप लगा लीजिए हाथ में, ये मैंने निकाल दिया है। अब इसमें से चम्मच से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे और ये हल्का गर्म है इसी में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकेगा, क्योंकि इसमें हमने वो आम का जो डाला है ना, बस इस तरीके से, इसलिए पहले हाथ में अगर लगा लेंगे ना तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। बीच में थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सा फॉलो कर दीजिए और बस इसी तरह के हम एक प्लेट में बना बना के रखते जाएंगे। देखिए और दूसरा हम लेके देखते हैं। ये थोड़ा स्टिकी सा है क्योंकि वो अपन ने इसमें जो आम का फ्लेवर देने के लिए आम का रस डाला है उसकी वजह से होता है। जितना बड़ा आपको बनाना है और फिर इस तरीके से गोल कर लीजिए और फिर थोड़ा सा चपटा कर दीजिए और बस इसको बना के रख दीजिए। और ये जो पिस्ता है ये हमने काट लिया था, ये थोड़ा सा उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस ये तैयार हो गए हमारे बहुत ही यमी से मैंगो केसर पेड़ा। ये टेस्ट में बहुत अलग है नॉर्मल पेड़े से, क्योंकि मैंगो का टैंगी टेस्ट भी है इसके अंदर और केसर के कारण देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है ना, बिल्कुल नेचुरल येलो कलर आया है। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइए, इसको आप प्रसाद में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो जब भी मन हो तब बनाइए और कैसा लगा सबको ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।